बात बाढ़ से बेहाल उन इलाकों की जिनके लोग मदद की हर पल बाट जो रहे हैं, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, लेकिन जिनके कंधों पर बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो मुझे जरूर सुन रहे होंगे। इसलिए सबसे पहले उफनती लहरों की कहर लीला पर ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें आसमानी हैं और तबाही कुदरती। बेहिसाब हो रही बरसात ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सूरत बदल दी है। कहीं पहाड़ खिसक गए तो कहीं रास्ते ब्लॉक हो गए। बारिश का बेहिसाब दर्द उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। गोरखपुर में राप्ती नदी उफान पर आई और कई गांव तालाब में तब्दील हो गए। कई लोगों की जिंदगी नाव पर ही टिक गई है। अब इसे देखिए, ये शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पानी अभी तक अंदर जमा है, मरीजों को किसी तरह बाहर निकाला जा रहा है। हालात कब सुधरेंगे कोई नहीं जानता। यूपी के ही लखीमपुर खीरी से आई ये तस्वीर हजारों लाखों तस्वीरों पर भारी है। बाढ़ के चलते सड़क और रेल यातायात ठप हुआ तो दो भाई बहन के शव को कंधे पर लेकर ही अस्पताल से घर के लिए निकल पड़े। पटरियों के किनारे बने रास्ते पर 5 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय किया। दोनों भाई बारी बारी से 15 साल की बहन के शव को कंधे पर लेकर जा रहे थे और पीछे पीछे रोते बिलखते परिवार वाले थे। हालात ऐसे हैं कि अगर इंसान फंस जाए तो एक कदम आगे नहीं जा सकता। पीलीभीत के पूरनपुर में लाइन हॉस्पिटल का हाल देखिए और अंदाजा लगाइए कि अगर वहां जाना पड़ा तो कैसे जाएंगे। लाइफलाइन हॉस्पिटल भी आपको बिसलपुर का हम दिखाते हैं और किस तरह से वहां पर जो पानी हॉस्पिटल के अंदर भर गया है और जिसके बाद गांव में या फिर इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो यहां पर आते हैं, लेकिन पानी की क्या तस्वीर है, क्या कंडीशन है, वो आप यहां पर साफ तौर से देख पाएंगे। नौका प्रखंड का है, ये सभी टीचर है, सभी टीचर है, पढ़ता है, पढ़ा रहा। एक तरफ मुसीबत और दूसरी तरफ मजबूरी। बिहार में शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी समस्या वक्त पर स्कूल पहुंचने की है। सहरसा में कुछ शिक्षकों ने नाव से स्कूल जाने का फैसला किया, लेकिन बीच में ही फंस गए। नाव कोसी नदी में ही भटक गई। करीब 20 टीचर 2 घंटे तक नदी के बीच में ही फंसे रहे। रास्ता नहीं मिल रहा है, किस तरफ जाना, पूरा धुंध लगी हुई है, नाव भटक के बहुत दूर आ चुका। बिहार के ज्यादातर इलाकों में परेशानी इसलिए ज्यादा है क्योंकि नेपाल से छोड़ा गया पानी इनकी मुसीबत बढ़ा रहा है। मुजफ्फरपुर में 500 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके घर डूबने की कगार पर हैं। अब पलायन ही इकलौता रास्ता है। रोड पर जाकर रहेंगे, जो ऐसे अब हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। हर साल यही स्थिति रहती है, हर साल यही स्थिति रहती है। कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की जाती है, कोई व्यवस्था नहीं होता। पानी आ जाता है तो सब बाल बच्चा लेके भागल जाता है, नहीं तो डूब डर जाता है। ये तस्वीर नेपाल के त्रिशूली नदी की है जहां आधी रात को 2 बसें भूस्खलन के चलते पानी में समा गईं। हादसे में 60 से ज्यादा लोग बह गए। नदी उफान पर है, न तो यात्री मिल रहे हैं और ना ही कोई निशान। जिन 3 लोगों को तैरना आता था वो तो निकल आए, पर बाकी लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ABP News आपको रखे आगे।